हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, अभी नीट 2020 के एग्ज़ाम के 6 महीने शेष हैं और ये 6 महीने का एक ऐसा मौका है कि आप अगर इन दिनों में कंटिन्यू स्टडी अच्छी प्लानिंग से साथ करते हैं तो 650+ का स्कोर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपीटर और ड्रॉपर्स जो टॉपर होते हैं वो इन्हीं 6 महीने की स्टडी करके ही टॉप करते हैं। अगर आपने इन 6 महीने में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपकी ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी शुरू नहीं की है तो आज ही अभी से ही स्टडी स्टार्ट कर दें। काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले ही स्टडी शुरू की है तो क्या मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ। तो उन स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो अभी बचे हुए 6 महीने हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आप स्टडी करके नीट क्रैक ही नहीं बल्कि टॉप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इन 6 महीने की वैल्यू समझ गया वो कभी धोखा नहीं खा सकता। कभी कभी आपने कोचिंग में देखा होगा कि जो स्टूडेंट दीपावली से पहले वीकली या मंथली टेस्ट में पिछड़ रहे थे वो अचानक से दीपावली के बाद ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और कोर्स कंप्लीट होने तक अपने आप को एक अच्छी रैंक पर ले आते हैं, क्योंकि वो दीपावली के बाद मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन बचे हुए 180 डेज में प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करो, आपको 650+ के स्कोर को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, पढ़ाई का प्रेशर इस प्रकार का होता है कि आप जोश जोश में 2-4 दिन तो पढ़ेंगे फिर वैसे के वैसे ही रूटीन में आ जाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप अपने इस जोश को कम न होने दें, सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है। अगर आपका जोश कम हो जाए तो आप स्टडी टेबल पर लिख कर रख दो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कंटिन्यू पढ़ूंगा तभी डॉक्टर बन पाऊंगा, बिना मेहनत में डॉक्टर नहीं बन सकता। ये आप अपने स्टडी टेबल के सामने लिख कर रख सकते हैं। दोस्तों, ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। मेरी ये बात याद रखना कि बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती। जब जब भी आपका जोश कम हो मेरे को याद करना और सोचना कि मैं डॉक्टर तभी बन पाऊंगा जब मेहनत करूंगा। दोस्तों, जब इंसान दौड़ता है तो हिम्मत की जरूरत होती है। टारगेट सभी के सामने होता है मगर सफल वही होते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ एंड सिर्फ यही होता है कि कोई बहाना न बनाते हुए मुझे टारगेट हासिल करना है। मंजिल के करीब सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसमें हिम्मत है वही लास्ट टाइम तक डटता रहता है और लास्ट टाइम तक जो डट गया समझो सफल हो गया। मेरा इस वीडियो के जरिए सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि ये 6 महीने आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिम्मत रखकर डट जाए, समझो नीट क्रैक कर जाएंगे आप। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।